ओम शांति। आज 2 मार्च 2024 मीठी प्यारी बाबा के साकार महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये नॉलेज बिल्कुल शांति की है। इसमें कुछ भी बोलना नहीं है, सिर्फ शांति के सागर बाप को याद करते रहो। क्या कहते बाबा, ये नॉलेज कैसी है? शांति की है, बोलने की दरकार नहीं है, बस शांति में बैठ करके बाबा को याद करना है। प्रश्न है, उन्नति का आधार क्या है? बाप की शिक्षाओं को धारण कब कर सकेंगे? उन्नति का आधार क्या है? बाप की शिक्षाओं को धारण कब कर सकेंगे? उत्तर है, उन्नति का आधार है लव, बाबा से प्यार। एक बाप से सच्चा प्यार चाहिए। नजदीक रहते भी यदि उन्नति नहीं होती तो जरूर लव की कमी है, प्यार की कमी है। लव हो तो बाप को याद करें। याद करने से सब शिक्षाओं को धारण कर सकते हैं। उन्नति के लिए अपना सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। बाबा से कोई बात छिपाओ नहीं। आत्म अभिमानी बनते खुद को सुधारते रहो। ठीक है, तो उन्नति का आधार क्या हुआ? बाबा से सच्चा प्यार। और शिक्षाएं धारण कैसे होंगी? कितना सच्चा प्यार होगा, दिल का लव होगा, तो अपने आप ही बाबा की शिक्षाएं भी धारण होंगी। उन्नति के लिए सच्चा सच्चा चार्ट भी बाबा को लिख कर देना है। कुछ भी छिपाना बाबा से नहीं है। और आत्म अभिमानी बनने की मेहनत भी करनी है। ओम शांति। बच्चे, अपने को आत्मा समझकर बैठो और बाप को याद करो। बाबा पूछते हैं, जब भी कहां सभा में भाषण करते हो तो घड़ी घड़ी ये पूछते हो कि तुम अपने को आत्मा समझते हो या देह? अपने को आत्मा समझकर यहां बैठो। आत्मा ही पुनर्जन्म में आती है। अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करो। बाप को याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। निराकार बाप निराकारी बच्चों को कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम पावन बन जाएंगे। फिर तुम मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएंगे। सभी को मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति में आना है जरूर। तो घड़ी घड़ी ये कहना पड़े कि अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो। भाइयों और बहनों, अपने को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। ये फरमान बाप ने ही दिया है। ये है याद की यात्रा। बाप कहते हैं, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। ये घड़ी घड़ी तुम याद कराएंगे, समझाएंगे, तब समझेंगे कि आत्मा अविनाशी है, देह विनाशी है। अविनाशी आत्मा ही विनाशी देह धारण कर पार्ट बजाए एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा का स्वधर्म तो शांति है। वे अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते हैं। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मूल बात ये है, पहले पहले तुम बच्चों को यही मेहनत करनी है। बेहद का बाप आत्मा को कहते हैं, इसमें कोई शास्त्र उठाने की दरकार नहीं। तुम गीता का मिसाल देते हो तो भी कहते हैं, तुम सिर्फ गीता उठाते हो, वेदों का नाम क्यों नहीं लेते हो? बाबा ने कहा, उनसे पूछो वेद किस धर्म का शास्त्र है। कहते हैं आर्य धर्म का। आर्य किसको कहते हैं? हिंदू धर्म तो है नहीं, आदि सनातन तो है देवी देवता धर्म। फिर आर्य कौन सा धर्म है? आर्य तो आर्य समाजियों का धर्म होगा। आर्य धर्म तो नाम ही नहीं है। आर्य धर्म किसने स्थापन किया? तुमको वास्तव में गीता को भी नहीं उठाना है। पहली बात है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो सत्व प्रधान बन जाएंगे। इस समय सब है तमो प्रधान। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है।
महिमा भी बाप की ही करनी है, ये भी तुम तब कह सकेंगे जब तुम खुद बाप को याद करते होंगे। इस बात की बच्चों में कमजोरी है। बाबा हमेशा कहते हैं, याद का चार्ट रखो। दिल से हर एक पूछे हम कहां तक याद करते हैं। तुम बच्चों की दिल में अथाह खुशी रहनी चाहिए। तुमको अंदरूनी खुशी होगी तो दूसरों को भी समझाने का असर होगा। पहली मूल बात यही कहना कि भाई और बहनों अपने को आत्मा समझो। ऐसे और कोई सत्संग में नहीं कहेंगे। वास्तव में सत्संग कोई है नहीं, सत का संग एक ही है, बाकी है कुसंग। यहाँ है बिल्कुल नई बात। वेदों से तो कोई धर्म स्थापन हुआ ही नहीं है, तो हम वेदों को क्यों उठाए। कोई में भी ये नॉलेज है नहीं। खुद ही कहते हैं नेति नेति अर्थात हम नहीं जानते हैं, तो नास्तिक हुए ना। अब बाप स्वयं कहते हैं आस्तिक बनो, अपने को आत्मा समझो। ये बातें गीता में कुछ है, वेदों में नहीं है। वेद उपनिषद तो ढेर है, कब वो किस धर्म का शास्त्र है। मनुष्य तो अपनी बातें करते हैं, तुमको किसी का भी सुनना नहीं है। बाप तो सहज बताते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। इसलिए वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना है। तुम्हारा ये त्रिमूर्ति गोला है मुखिया, इसमें सब धर्म आ जाते हैं। पहले पहले है देवी देवता धर्म। बाबा ने कहा है त्रिमूर्ति गोला बड़ा बड़ा बनाकर दिल्ली में मुख्य स्थान पर, जहां आना जाना बहुत हो वहां लगा दो, तीन शीट पर हो। सीढ़ी में तो और धर्मों का नहीं आता है मुखिया, दो चित्र हैं, समझाना ही इस पर है। पहले है बाप का परिचय, बाप से ही वर्षा मिलता है। इस बात पर निश्चय कराने बिगर तुम्हारा कुछ भी कोई समझ नहीं सकेगा। एक बाप को ही नहीं समझा है तो दूसरे चित्रों पर ले जाना ही फालतू है। अल्प को समझने बिगर कुछ भी समझते नहीं। बाप के परिचय बिगर और कोई बात ना करो। बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है, बाबा ख्याल करता है। ऐसे सहज बात क्यों नहीं समझते हैं। तुम्हारी आत्मा का बाप शिव है, उनसे ही वर्षा मिलता है। तुम सब आपस में ब्रदर्स हो। जब इस बात को भूलते हो तब तमो प्रधान बन जाते हो। अब बाप को याद करो तो सत्व प्रधान बन जाएंगे। मूल बात है रचियता और रचना को जानना। कोई भी नहीं जानते, ऋषि मुनि भी जानते नहीं थे। तो पहले बाप का परिचय दे, सबको आस्तिक बनाना है। बाप कहते हैं मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, मुझे नहीं जाना तो कुछ भी तुम नहीं समझेंगे। मुफ्त तुम अपना समय वेस्ट करते हो। चित्र आदि भी जो भी है ड्रामानुसार बने हैं, वही ठीक हैं। परंतु तुम इतनी मेहनत करते हो फिर भी किसी की बुद्धि में बैठता नहीं है। बच्चे कहते हैं बाबा क्या हमारे समझाने में कोई भूल है। बाबा फट से कह देते हैं हाँ भूल है, अल्फ को ही नहीं समझा है तो फट से रवाना कर दो। बोलो जब तक बाप को नहीं जाना तब तक तुम्हारी बुद्धि में कुछ बैठेगा भी नहीं। तुम भी जब देह विमानी अवस्था में नहीं रहेंगे तो आंखें क्रिमिनल रहती हैं, सिविल तब बनेंगी जब अपने को आत्मा समझेंगे। देह विमानी होंगे तो फिर तुमको आंखें धोखा नहीं देगी। देह विमानी नहीं तो माया धोखा देती रहेगी। इसलिए पहले तो आत्मविमानी बनना है। बाबा कहते हैं अपना चार्ट दिखाओ तो मालूम पड़े। अगर अभी तक झूठ पाप गुस्सा है तो अपना ही सत्यानाश करते हो। बाबा चार्ट देखकर समझ जाते हैं कि ये सत्य लिखा है या अर्थ भी नहीं समझा है। सब बच्चों को बाबा कहते हैं चार्ट लिखो। जो बच्चे योग में नहीं रहते हैं वो इतने सर्विस भी नहीं कर सकेंगे, जौहर नहीं भरता है। भल बाबा कहते हैं कोटों में कोई निकलेगा, परंतु जब तुम खुद ही योग में नहीं रहते तो दूसरों को फिर कैसे कहेंगे। सन्यासी कहते हैं सुख काग विष्ठा समान है, वो सुख का नाम लेते नहीं। तुम जानते हो भक्ति अथाह है, उसमें कितनी आवाज है। तुम्हारी नॉलेज तो बहुत शांति की है। बोलो शांति का सागर तो बाप ही है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मन मना भव, ये अक्षर भी नहीं कहो।
हिंदुस्तान की है हिंदी भाषा, फिर संस्कृत तुम्हारी भाषा क्यों? अब इन सब भाषाओं को छोड़ो, पहले तुम भाषण करो कि अपने को आत्मा समझो। बहुत हैं जो अपने को आत्मा भी नहीं समझ सकते, याद नहीं कर सकते, अपने घाटे को कोई समझ ना सके। कल्याण तो है ही बाप की याद में, और कोई सत्संग में ऐसे नहीं कहेंगे कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बच्चे कभी बाप को एक जगह बैठ याद करते हैं क्या? उठते बैठते बाप की याद है ही। आत्मविमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। तुम बहुत बोलते हो, इतना बोलना नहीं चाहिए। मूल बात है याद की यात्रा की। योग अग्नि से ही तुम पावन बनेंगे। इस समय सब दुखी हैं, सुख मिलता ही है पावन बनने से। तुम आत्मविमानी हो, किसी को समझाएंगे तो तीर लग जाएगा। कोई खुद विकारी है और किसी को कहे निर्विकारी बनो तो उनको तीर नहीं लगेगा। बाप कहते हैं, बच्चे तुम खुद याद की यात्रा पर नहीं रहते हो, इसलिए तीर नहीं लगता। अब बाप कहते हैं, बीती सो बीती, अपने को सुधारो, दिल से पूछो। हम अपने को आत्मा समझ बाप को कितना याद करते हैं, जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो जरूर हमको विश्व का मालिक बनना है। वही एक माशूक आकर तुम्हारे सामने खड़ा है, तो उनके साथ बहुत लव होना चाहिए। लव माना याद। शादी होती है तो स्त्री का पति के साथ कितना लव होता है। तुम्हारी भी सगाई हुई है, शादी नहीं। वे तो जब विष्णुपुरी में जाएंगे, पहले शिव बाबा के पास जाएंगे, फिर ससुर घर जाएंगे। सगाई की खुशी कम होती है क्या? सगाई हुई और याद पक्की हुई। मृत्यु में भी सगाई होती है, परंतु वहां सगाई कब टूटती नहीं, अकाल्य मृत्यु होती नहीं, ये तो यहाँ होती है। तुम बच्चों को भी गृहस्थवार में रहते पवित्र बनना है। बल बहुत नजदीक भी रहते हैं, फिर भी उन्नति नहीं होती है। जो उस लव से आते हैं उनकी उन्नति बहुत होती है। याद ही नहीं तो लव भी नहीं रहता, तो उनकी शिक्षाओं को भी धारण नहीं कर सकते। भगवान उवाच, तुम बच्चे सबको यही पैगाम दो कि काम महाशत्रु है, जो आदि मध्य अंत दुख देता है। तुम तो पवित्र सत्यों के मालिक थे, अभी तुम गिरकर गंदे बन पड़े हो। अब ये अंतिम जन्म फिर से पवित्र बनो। काम चिता पर बैठने का हथियाला कैंसिल करो। तुम बच्चे जब योग में बोलेंगे तब किसी की बुद्धि में बैठेगा। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए, पहली मुख्या एक बात है। बच्चे कहते हैं, बाबा हम तो बहुत मेहनत करते हैं, तब मुश्किल ही कोई निकलता है। बाबा कहते हैं, योग में रहकर समझाओ, याद की यात्रा की मेहनत करो। रावण से हार कर विकारी बने हो, अब निर्विकारी बनो। बाप की याद से तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा डायरेक्शन तो बहुत देते हैं, परंतु बच्चे अच्छी तरह कैच नहीं करते हैं और बातों में चले जाते हैं। मुखिया तो बाप का पैगाम दो, परंतु खुद ही याद नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे कहेंगे? ठगी नहीं चलेगी। दूसरों को कहे विकार में नहीं जाओ, खुद जाएं, तो जरूर दिल खाएगी। ऐसे भी ठग हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, मूल बात है ही अल्फ। अल्फ को जानने से तुम सब को जान जाएंगे, अल्फ को ना जानने से तुम कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार, पहला पॉइंट, अंदरूनी बाप के याद की खुशी में रहकर फिर दूसरों को बाप का परिचय देना है। सबको एक बाप की महिमा सुनानी है। दूसरा पॉइंट, आत्म अभिमानी बनने की बहुत प्रैक्टिस करनी है, बहुत बोलना नहीं है। बीती सो बीती कर पहले स्वयं को सुधारना है। याद की यात्रा का सच्चा चार्ट रखना है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा
रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भव। आगे एक्सप्लेन बाबा करते, जीवन में हर आत्मा की पसंदी वैरायटी है, तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध भिन्न भिन्न स्वरूप का वैरायटी अनुभव करो तो बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है, इसलिए एक भी संबंध की कमी नहीं करना। अगर कोई छोटा सा हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो गया तो सर्व शब्द समाप्त हो जाएगा। जहां सर्व है वहां ही संपन्नता है, इसलिए सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप बनो। ठीक है, स्लोगन, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन, प्रकृति के हर दृश्य को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। बाप समान अव्यक्त रूपधारी, प्रकृति के हर दृश्य को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। ओम शांति।